दिव्या पाहुजा हत्याकांड में पुलिस को अब तक की सबसे बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें फतेहाबाद के टोहाना में दिव्या की लाश मिली है। जी हां, टोहाना से दरअसल दिव्या की लाश मिली है। आरोपी बलराज ने शव को बहाने की बात को कबूला भी था। आज सुबह से लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा था और देखिए गुरुग्राम क्राइम ब्रांच और पटियाला एनडीआरएफ ने यह सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद टोहाना के पास बहती नदी से आखिरकार दिव्या की लाश जो है वो मिल चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर है, लगातार दिव्या की लाश की तलाशी की जा रही थी और सर्च ऑपरेशन के बाद बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है हरियाणा पुलिस को। फतेहाबाद के टोहाना में दिव्या की लाश मिली है। टोहाना से दिव्या की लाश मिलने की जानकारी हाथ लगी है। फिलहाल इसकी लाश को कब्जे में ले लिया है पुलिस ने। बता दें आपको आरोपी बलराज गिल, जिसकी गिरफ्तारी कोलकाता से हुई थी, उसने शव को बहाने की बात को कबूला भी था, जिसके बाद लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा था। दरअसल आरोपी बलराज गिल की तरफ से बताया गया था कि उसने शव को किसी नहर में बहाया है, जिसके बाद लगातार जो पुलिस है, तमाम जो अलग अलग टीमें हैं, वो शव को ढूंढ रही थी, तलाश रही थी, जिसके बाद जाकर टोहाना के पास नदी से नहर से दिव्या की लाश मिल चुकी है। तो गुरुग्राम क्राइम ब्रांच और पटियाला एनडीआरएफ का ऑपरेशन लगातार चला है, जिसके बाद नहर से शव मिला है दिव्या का। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, एक बहुत बड़ी सफलता के तौर पर इसको देखा भी जा रहा है। तो देखिए दिव्या पाहुजा हत्याकांड में अब तक की सबसे बड़ी सफलता जो पुलिस के हाथ लगी कि टोहाना के पास बहती नहर से दिव्या का शव मिल चुका है, दिव्या की लाश मिल चुकी है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सूर्य समाचार के पास है और ये तस्वीरें आपको हम दिखा भी रहे किस तरीके से दिव्या पाहुजा हत्याकांड जो कि 2 जनवरी को हुआ था और इसी हत्याकांड के लगभग 11 दिन बाद जाकर दिव्या पाहुजा की लाश मिलती है। और ये तस्वीर भी देखिए दिव्या पाहुजा की है, लेकिन ये तस्वीरें जिस तरीके से मिली हैं, जिस अवस्था में दिव्या पाहुजा की लाश मिली, वही आपको हम दिखा भी रहे हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। फतेहाबाद के टोहाना के पास बहती नहर से ही ये लाश मिली है दिव्या पाहुजा की। आपको बता दें बलराज गिल, जिस आरोपी को कोलकाता से पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसी आरोपी ने बताया था कि उसने दिव्या पाहुजा के शव को नहर में बहाया है, जिसके बाद से टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही थी और देखिए आज सुबह ही दिव्या पाहुजा की लाश मिली है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं सूर्य समाचार के पास दिव्या पाहुजा की लाश की और हमने इसको ब्लर भी कर दिया है, तस्वीरें विचलित कर सकती है, इसलिए बता दें आपको लगभग 11 दिन बाद जाकर यह शव बरामद हुआ फतेहाबाद के टोहाना के पास बहती नहर से दिव्या का यह शव बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस ने शव कब्जे में ले लिया है। बता दें आपको आरोपी बलराज ने शव को बहाने की जो बात है उसको भी कबूला था। इस खबर पर हमारे साथ फोरोलाइन पर जसपाल सिंह जुड़ चुके हैं फतेहाबाद से। जसपाल, एक बहुत बड़ी सफलता यह है, 11 दिन बाद जाकर दिव्या पाहुजा की लाश मिलती है, शव की पहचान कैसे हुई? गुरुग्राम क्राइम ब्रांच और जो पटियाला एनडीआरएफ की टीम है वो सुबह ही जो इस नहर के अंदर सर्च ऑपरेशन चलाया था, तो इस दौरान उनको शक हुआ कि ये डेड बॉडी जो है इस नहर के अंदर है, तो सर्च ऑपरेशन करने के बाद कंफर्म हुआ कि डेड बॉडी जो है दिव्या पाहुजा की है और अभी वो जो डेड बॉडी है वो नहर से है वो निकाली जा रही है और काफी गहरा जो पानी है उसमें, और अभी जो टोहाना की जो सदर पुलिस है वो वहां पर मौके पर मौजूद है और उनके जो दिव्या पाहुजा के जो परिवार है वो भी अभी मौके पर मौजूद है, और बताया ये भी जा रहा है कि जो दिव्या पाहुजा का जो पोस्टमार्टम है वो भी टोहाना में होगा क्योंकि उसके परिजन जो है वो यहाँ पर अभी पहुंचे हुए हैं। लेकिन जसपाल, जिस तरीके से 2 जनवरी को ये हत्याकांड हुआ था, 11 दिन बाद जाकर ये लाश मिलती है, लाजमी है कि 11 दिन बाद इस लाश की जो अवस्था है वो बिगड़ चुकी होगी, तो पुलिस ने पहचान कैसे की कि दिव्या पाहुजा का ही शव है? परिवार की मदद ली गई होगी? बिल्कुल, परिवार को जो है जैसे ही सर्च ऑपरेशन आज सुबह यहाँ पर चलाया गया तो उसी दौरान उनके जो परिजनों को है वो सूचना दे दी गई थी और उनके परिजन है जो दिव्या पाहुजा की माँ है वो वहाँ पर मौके पर पहुंच गई है, तो उन्होंने अभी बताया है कि ये जो लाश है वो दिव्या पाहुजा की है और अभी जो पोस्टमार्टम है वो टोहाना
नागरिक अस्पताल में ही किया जाएगा। अभी पहचान जो है दिव्य पहुजा हो चुकी है। चलिए ठीक है जसपाल सिंह, आप बने रहे हमारे साथ। रुख करते हैं सहयोगी नीरज अंबावता का भी, जो कि लगातार जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस खबर पर विस्तार से जानकारी हमको देने के लिए। नीरज, निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी सफलता है, दिव्या पाहुजा हत्याकांड 2 जनवरी को होता है, 11 दिन बाद जाकर दिव्या पाहुजा की लाश मिलती है और खुद बलराज गिल आरोपी, जिसको गिरफ्तार भी किया गया था कोलकाता से, उसी ने क्योंकि लाश को बहाया था, इसके बाद इसी के आधार पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया और अब एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस पूरे मामले को लेकर पूरी डिटेल हमको बताइए पहले। जी बिल्कुल, देखिए दिव्या पहुजा केस गुरुग्राम पुलिस के लिए, क्राइम ब्रांच के लिए और एसआईटी के लिए एक पहली बना हुआ था और लगातार 2 जनवरी से लेकर आज हालांकि 13 जनवरी हो गई है और अब जो है गुरुग्राम पुलिस को कहे कि एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल जो है वो गुरुग्राम पुलिस पर उठ रहा था कि आखिरकार अब तक दिव्या पहुजा का शव बरामद पुलिस क्यों नहीं कर पाई। और लगातार अगर दिव्या पहुजा के परिवार की बात करें तो वो इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, लगातार हरियाणा के मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे थे कि इस मामले में उनको न्याय जो है कहीं ना कहीं दिलाया जाए, लेकिन लगातार गुरुग्राम पुलिस की जो कोशिश थी, जो गुरुग्राम पुलिस लगातार पहल कर रही थी, वो पहल आज रंग लाई और आखिरकार 11 दिन बाद दिव्या पहुजा का शव जो है वो टोहाना से बरामद किया है और कुदनी जो नहर है वहां से ये बरामद किया है, क्योंकि लगातार इस पूरे मामले में अब तक जो है 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और सबसे अहम गिरफ्तारी जो है वो बलराज गिल की थी, क्योंकि बलराज वही शख्स था जो कि दिव्या पहुजा के शव को गुरुग्राम से लेकर गया था और उसी की निशानदेही पर जब गुरुग्राम पुलिस के एसआईटी की टीम ने पूछताछ की तो बताया कि किस नदी में उसने जो है शव को फेंका था और वहीं जो है अगर पटियाला एनडीआरएफ की बात करें और गुरुग्राम पुलिस के जवानों की बात करें, तमाम गोताखोरों की बात करें, तो उन्होंने उस नहर में सर्च अभियान चलाया, लगातार जगह जगह जालबंदी की और आखिरकार कामयाबी मिली और शव को बरामद किया है। और क्योंकि लगातार परिवार वालों को भी इस बात की जानकारी दी गई और परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और शव की जो है शिनाख्त हो चुकी है, तो अब कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि गुरुग्राम पुलिस ने एक राहत की सांस ली है, क्योंकि लगातार गुरुग्राम की एसआईटी की टीम न केवल गुरुग्राम, पंजाब, पटियाला, लुधियाना या फिर ये कहे कोलकाता से लेकर चंडीगढ़ तक की जो खाक थी वो खंगाल रही थी और उस खाक को खंगालते खंगालते जब एक बड़ी कामयाबी जो है वो गुरुग्राम पुलिस को मिली कि आरोपी जो लगी है और साथ ही इस पूरे मामले में जो नामजद आरोपी रहे उनको गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन क्या अभी भी कोई ऐसा आरोपी है जो कि फरार चल रहा हो, जिसकी गिरफ्तारी होने के बाद और जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो और महत्वपूर्ण कड़ी है इस मामले को लेकर, वो जुड़ सकती है? जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले की अगर हम गिरफ्तारी की बात करें तो सबसे पहली गिरफ्तारी अभिजीत की हुई थी, जिसने दिव्या की गोली मारकर हत्या कर दी थी और 2 गिरफ्तारी इसमें होटल के जो कर्मचारी थे जो कि एक सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे थे कि दिव्या पहुजा के शव को नीचे तक जो है वो कार तक लेकर आते हैं। और इस पूरे मामले में हालांकि 3 गिरफ्तारी के बाद एक जो गिरफ्तारी थी वो मेघना की हुई थी और बताया जा रहा है कि ये मेघना दिल्ली की रहने वाली थी और अभिजीत की जो है अभिजीत की महिला मित्र थी। और उसके बाद 4 गिरफ्तारी के बाद 5वीं गिरफ्तारी इसमें होती है बलराज गिल की। हालांकि अभी भी एक शख्स जो है वो फरार है, जो बलराज गिल के साथ इस शव को ठिकाने लगाने के लिए पंजाब की तरफ गए थे, उसका नाम रवि है। और रवि के साथ साथ बलराज की अगर हम बात करें तो लुकआउट नोटिस गुरुग्राम पुलिस के एसआईटी की तरफ से जारी किया गया था, क्योंकि पुलिस को अंदेशा था कि ये लोग विदेश भाग सकते हैं और इनसे जो है अभी हथियार भी बरामद करना है। तो इस पूरे मामले में हालांकि 1 गिरफ्तारी अभी भी बाकी है, जिसका नाम रवि है और उस रवि को तलाशने के लिए गुरुग्राम की कई टीमें जो है अलग अलग इलाकों में जांच कर रही है, चाहे हम बंगाल की बात करें, बिहार की बात करें, चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के तमाम जिलों में, क्योंकि उसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम भी है और काफी अहम गिरफ्तारी वो हो सकती है, क्योंकि हथियार को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी जो थी वो रवि के ऊपर थी और शव को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी जो है बलराज गिल को सौंपी गई थी। और इन दोनों को आरोपी जो अभिजीत था उसने इन दोनों को 10 लाख रुपए दिए थे, अपनी BMW जो कार थी वो दी थी। हालांकि 4 दिन बाद कार जो है पटियाला से बने रहे हमारे साथ, आपसे और भी जानकारी मैं लूंगी विस्तार से और भी जानूंगी कि किस तरीके से इस पूरे मामले में जो कामयाबी है वो हाथ लगी है। जसपाल का रुख करते हैं, जो कि फिलहाल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं फतेहाबाद से। जसपाल, जरा हमको विस्तार से इस सर्च ऑपरेशन के बारे में बताइए, जिस तरीके से फतेहाबाद के टोहाना के पास बहती नहर से दिव्या का शव मिला, किस तरीके से ये बड़ी कामयाबी मानी जाए, सर्च ऑपरेशन कब से चल रहा था, किन किन टीमों का इसमें योगदान रहा?
मैं ही पटियाला एनडीआरएफ की टीम और गुरुग्राम क्राइम ब्रांच की टीम है वो तोहाना के किडनी हेड पर सुबह पहुंची थी और उनके दिव्य पाहुजा के जो परिवार है उनको भी वहां पर बुलाया गया था। तो इस दौरान उनको पता चला कि जो डेड बॉडी है वो पंजाब से जो नहर के माध्यम से है वो यहां तोहाना पहुंचे। तो इस दौरान उन्होंने सर्च ऑपरेशन चलाया और सर्च ऑपरेशन में पाया कि दिव्य पाहुजा की ही डेड बॉडी है वो नहर के अंदर है। तो गुरुग्राम क्राइम ब्रांच पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई है और तोहाना की लोकल पुलिस भी वहां पर मौके मौजूद है और उनका परिवार है वो भी मौके पर मौजूद है। और बताया ये भी जा रहा है कि जो दिव्य पाहुजा का जो पोस्टमार्टम है वो तोहाना के ही नागरिक अस्पताल में किया जाएगा और इससे जो है कई बड़े और भी खुलासे हो सकते हैं क्योंकि लगातार जो पुलिस है पिछले 10-12 दिन से जो हरियाणा की जो पुलिस है वो इस डेड बॉडी सर्च ऑपरेशन में लगी हुई थी क्योंकि एक बड़ी पहली जो ये डेड बॉडी नए मिलना जो पहली बनी हुई थी तो अब ये डेड बॉडी मिल गई है तो इससे कई राज और है इस हत्याकांड के जो कई राज है वो और खुलने की संभावना है। यही सवाल मेरा आपसे जसपाल, इसको जरा विस्तार से बताइए कि अब तक दिव्या पाहुजा हत्याकांड में सबसे बड़ा सवाल सबसे बड़ी गुत्थी यही थी कि दिव्या का जो शव है वो कहाँ पर है क्योंकि शव अब मिल चुका है तो क्या अभी भी कई ऐसे राज हैं, ऐसे अभी भी क्या कौन से सवाल है जिनकी तलाश की जाएगी पुलिस को? देखिए क्योंकि पुलिस जो है गुरुग्राम क्राइम ब्रांच पुलिस है वो लगातार इसमें अपनी रिपोर्ट भी तैयार कर रही है क्योंकि पहले ये था कि डेड बॉडी जैसे ये पूरी गुत्थी है वो नहीं सुलझ पा रही थी तो इसमें अभी गिरफ्तारी अभी भी बाकी है और जो गिरफ्तार किए गए आरोपी हैं उनसे भी पूछताछ की है, उन्होंने भी इसी वक्त बता दिया गया है कि पंजाब की नहर के अंदर इसकी डेड बॉडी डाली गई तो इतने दिन बाद बहने के बाद ये डेड बॉडी है वो फतेहबाद पहुंची है। लगातार इसमें कई दिन से पुलिस है वो एनडीआरएफ की टीमें हैं वो सर्च ऑपरेशन कर रही थी तो जगह जगह जो भी हेड बने हुए हैं वहां पर सर्च की गई। तो इस सर्च के दौरान जो तोहाना का जो पुलिस हेड है वहां पर ये डेड बॉडी मिली है तो अब इस पोस्टमार्टम के बाद भी जो कई राज है वो खुलने की संभावना है। बिल्कुल निश्चित तौर पर जसपाल आपका शुक्रिया। नीरज लगातार जुड़े हुए हैं। नीरज आपसे मेरा ये सवाल कि क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि जो आरोपी बलराज गिल जिसने दिव्या के शव को नहर में बहाया था उसको कोलकाता पुलिस आज गुरुग्राम लेकर आ रही है, इस बारे में क्या जानकारी क्या खबर? जी बिल्कुल, देखिए जब एयरपोर्ट से किसी की गिरफ्तारी होती है तो सीआईएसएफ की टीम ने जो है आरोपी बलराज गिल को गिरफ्तार किया था क्योंकि गुरुग्राम पुलिस के एसआईटी की टीम ने लुकआउट नोटिस जारी किया था और उसके बाद अब प्रोसेस शुरू होता है कि सीआईएसएफ की टीम हरियाणा पुलिस को जो है वो बलराज को हरियाणा पुलिस के हैंड ओवर करेगी और ये तमाम प्रोसेस पूरा हो चुका है। हालाँकि आज जो है बलराज को गुरुग्राम कोर्ट में पेश किया जाएगा लेकिन उससे पहले की जो पूछताछ जो रास्ते में हुई या फिर जो मौके पर पूछताछ हुई उसकी निशानदेही के बाद जब गुरुग्राम पुलिस को पता लगा कि यहाँ इस नहर में जो है वो दिव्या पाहुजा के शव को बहाया गया है तो लगातार सर्च ऑपरेशन किया गया और शव को बरामद करने में पुलिस को सफलता हासिल हुई। लेकिन अभी भी इस पूरे मामले में कई कड़ी जुड़ना बाकी है, जैसे कि क्या अभिजीत ने जो है ये पूरी प्लानिंग के साथ इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया और कैसे इस हत्या में अभिजीत के साथ साथ 5 लोग और इन्वॉल्व होते हैं और कैसे 10 लाख रुपए के साथ एक बीएमडब्ल्यू कार के जरिए शव को जो है वो एक पंजाब की नहर तक पहुंचाया जाता है। तो सवाल कई सारे हैं, कड़ी कई सारी है और हथियार जो जिस हथियार से जो है दिव्या पाहुजा की हत्या की गई वो हथियार कहाँ है और एक जो आरोपी जिसका नाम रवि है वो कहाँ है, उसको गिरफ्तार कब तक गुरुग्राम पुलिस करेगी और क्या क्या उसको लेकर जो है जो आरोपी थे उन्होंने किस किस तरह से भगाने की जो है वो कहीं ना कहीं कोशिश की थी और क्या क्या ठिकाने जो है वो रवि के हो सकते हैं। तो सवाल जो है बलराज से भी बहुत सारे होंगे और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से बाकी के आरोपियों को गुरुग्राम पुलिस ने रिमांड पर लिया था उसी तर्ज पर आज जब जो है बलराज को कोर्ट में पेश किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि गुरुग्राम पुलिस उसको भी कहीं ना कहीं रिमांड पर लेगी और तमाम कड़ियों को एक जोड़ने की कोशिश भी जो है वो पुलिस की रहने वाली है। ठीक है, बिल्कुल शुक्रिया आपका नीरज विस्तार से हमको इस पूरे मामले के बारे में बताने के लिए। तो फिलहाल ये तस्वीरें दिव्या पाहुजा की लाश की है जिसको टोहाना के पास नहर से बरामद किया गया है।